नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए अलजेब्रा का क्लास 3 जो है चैप्टर स्टार्ट करूँगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो जो है अलजेब्रा का पढ़ा दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके पहले उसको देखिए, इसके बाद आप जो है इसको देखेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए अलजेब्रा के एडवांस मैथ जो है मैं सिस्टमेटिकल वे से आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िए। अलजेब्रा में क्या होता है ना, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप इजीली मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करा यक्स कामा वाई ऐसी धनात्मक संख्या है कि यक्स जो है ग्रेटर देन वाई से है। यदि x की पावर 4 है प्लस y की पावर 4 है बराबर दिया है 706 है और जो है x y बराबर आपका 15 दिया है, तो 2x प्लस 3y का मान बताओ। एक बात बताइए दोस्तों, आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप यहीं से क्वेश्चन जो है आप रिलेट कर सकते हैं। आपका x जो है ग्रेटर देन है, कहने का मतलब आपका x y बराबर दिया है। देखिए x y बराबर आपका 15 दिया है, तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या करिए ना, ऑप्शन मान लीजिए ऑप्शन आपका दिया रहेगा 10, 15 ऐसे से कुछ भी दिया रहेगा, 19 ऐसे रहेगा। ओके, तो एक बात बताइए आप इसका मान जो है क्या रख सकते हैं, इसका मान 5 रख सकते हैं, इसका मान 3 रख सकते हैं, 5 × 15 देखिए ये आ रहा है ना। आप अगर नहीं समझ में यहाँ पे भी रखिए, 5 के पावर 4 क्या हो जाएगा 625 प्लस 3 के पावर 4 क्या हो जाएगा 81, जब आप दोस्तों जोड़ेंगे तो 706 हो जाएगा। ये ऑप्शन से बहुत अच्छा आप जो है रिलेट कर पाएंगे। आपका देखिए 2 × x का मान दिया है 5 प्लस 3 है, 3 लिखिए दोस्तों, y का मान दे दिया है 3। अब एक बात बताइए, 5 × 10 प्लस 3 × 3 = 9 यानी आपका फाइनली आंसर 90 आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन दिया रहेगा 90, आपका क्वेश्चन जो है आपका 90 जो है आंसर सही हो जाएगा। आप जो है ऑप्शन से जो है वैल्यू रिलेट करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ऑप्शन से आप जो है टैकल करना सीखिएगा, ताकि अलजेब्रा में मैक्सिमम जो है ऑप्शन से रिलेट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, यदि 2 संख्याओं का अंतर 5 है। ओके दोस्तों, 2 संख्याओं का अंतर, कहने का मतलब एक्स माइनस वाई बराबर आपका दिया है 5 करा और उनके घनों का अंतर 1850 है। घनों का अंतर कहने का मतलब दोस्तों x क्यूब माइनस y क्यूब बराबर आपका दिया 1850। ओके करा है, तो उनके वर्गों का अंतर बताओ, उनके वर्गों का अंतर बताना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। एक बात बताइए, इसका फार्मूला आपको बताए हैं, उनके वर्गों का अंतर पूछा है, तो क्या करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक कोष्टक में यक्स माइनस वाई लिख सकते हैं और दूसरे कोष्टक में यक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। आपको यक्स माइनस वाई का वैल्यू, इसका मान दिया 5 बट आपको वैल्यू इसका निकालना है, तो एक बात बताइए दोस्तों आपको इसका वैल्यू निकालना है तो क्या आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ समझिए, आपका इसका वैल्यू इतना दिया है, इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यक्स माइनस वाई कोष्टक में यक्स स्क्वायर प्लस, देखिए आपको इसका वैल्यू निकालना है ना, तो कुछ मत करिए, यहाँ दिया इसका फार्मूला क्या लिखेंगे दोस्तों, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये मझला कोष्टक कर दीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, एक बात बताइए, माइनस वाले में बताया था कि प्लस होता है एक्स वाई, तो जब यहाँ पे इतना कर दिए हैं तो क्या करेंगे, अब प्लस होता है तब देखिए क्या करेंगे, माइनस एक्स वाई घटा देंगे। आपको नहीं समझ में आता है, देखिए ध्यान से, यक्स माइनस वाई का यक्स क्यूब वाई क्यूब का फार्मूला क्या लिखेंगे, यक्स माइनस वाई एक क्वेश्चन में, एक दूसरे क्वेश्चन में यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यक्स वाई। ओके दोस्तों, जब एक बात बताइए, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिए हैं, तो यक्स वाई इसमें तो एक लिए हैं इसलिए यक्स वाई इसमें से घटा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ से। अब एक बात बताइए, अब इसको बंद कर दीजिए। ओके, अब देखिए इसका 1850 बराबर कर देंगे, 1850 x माइनस वाई का मान दिया है 5, देखिए x प्लस वाई
का होल स्क्वायर हमको नहीं दिया है, माइनस एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया है, एक्स वाई का वैल्यू आपको कुछ दिया है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही टैकल किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे ना, प्लस में एक्स वाई, देखिए यही से आप क्वेश्चन पहले रिलेट करेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस थ्री एक्स वाई। ओके दोस्तों, एक बात बताइए, इसका मान दिया है फाइव, इसका मान पाँच के स्क्वायर क्या हो जाएगा, पच्चीस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस में होगा थ्री एक्स वाई। ओके, क्योंकि फार्मूला आपको बताए थे, प्लस थ्री इंटू एक्स वाई और बराबर 1850। पाँच के डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 25 घटा देंगे, यानी कि थ्री एक्स वाई बराबर क्या लिखेंगे, पाँच ते 15, पाँच सते 35, 25 घटा दीजिए दोस्तों, क्या लिखेंगे, पाँच, छः में से दो घटा, चार, तीन में से तीन। देखिए आप तीन का डिवाइड करेंगे तो एक्स का वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तीन कम तीन, तीन कम तीन, तीन पचे 15, एक्स वाई का वैल्यू इतना आ जाएगा। ओके दोस्तों, आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं इसके बाद, अब एक्स वाई का मान 115 दिया है दोस्तों। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई लिखेंगे, ये तो आपको मैंने बताया था। इसका वैल्यू आपको कितना दिया है दोस्तों, नहीं, इसका वैल्यू निकालना है। तो एक बात बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का वैल्यू दिया फाइव, फाइव का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस चार गुणे 115। ओके दोस्तों, 25 प्लस चार पचे 20, चार एकम चार दो छः, चार एकम चार, आप इसको जोड़ेंगे, पाँच छः दो आठ चार, यानी कि आप यक्स ए प्लस बी बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ में 485 आ जाएगा। और इसका मान आपको दिया है तो इसका गुणा करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 485। ओके, यानी कि आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 485। देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा से लेंदी था, आपको कुछ नहीं करना था, कह रहा दो संख्याओं का अंतर इतना दिया है, दो घनों का जो है अंतर आपको दिया हुआ है, आपको पूछा है कि उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, उनके वर्गों का अंतर क्या पहले निकालेंगे, x माइनस वाई निकाल लेंगे, इतना x प्लस वाई का वैल्यू आपको निकालना होगा। ऐसे जब भी दिया रहेगा दोस्तों, ये मेंस में, सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए ज़्यादा लड़के इसमें फंस जाते हैं। एक बात बताइए, x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर इतना दिया है, आप इसका फार्मूला मैंने बताया था कि x माइनस वाई एक कोष्टक में होता है, जब इसको टैकल करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई निकालेंगे, आप यहां से x y का वैल्यू निकाल लेंगे तो 115 आ जाएगा। ओके दोस्तों, आप यहां से निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, आप यहां से a प्लस बी का निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 485, आप यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 485 आ जाएगा। ओके दोस्तों, आपको देखिए सवाल जो है थोड़ा से लेंदी रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन अगर ऑप्शन से रिलेट हो रहा तो ऑप्शन से मैं बताऊंगा, अगर नहीं होगा तो मैं पूरे बेसिकली से सॉल्व करूंगा। ओके, आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको जो है नॉर्मली पूछता है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको जो है कोष्ठक में आप जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फार्मूला आपको बताया हूँ, आप उसी पे टैकल करेंगे क्वेश्चन, आसानी वे से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, आपका दिया 1 प्लस यक्स बटे 1 माइनस यक्स स्क्वायर, एक बात बताइए ये भागा है तो आप पलट जाएगा ना, मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटे, ये नीचे आ जाएगा यानी 1 प्लस यक्स। ओके दोस्तों, माइनस 1 माइनस यक्स पावर 4 है, एक बात बताइए 1 माइनस यक्स पावर 4 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस यक्स स्क्वायर एक कोष्ठक में, 1 प्लस यक्स स्क्वायर एक कोष्ठक में, आप इसको लिख सकते हैं अपान 1 माइनस यक्स। ओके दोस्तों, अपान 1 माइनस यक्स गुणे 1 प्लस यक्स है अपान 1 माइनस यक्स स्क्वायर है,
एक बात बताइए, यहाँ से जो कट रहा है वो काट दीजिए। देखिए ये वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, वन प्लस एक्स एन प्लस एक ये कट जाएगा, और वन माइनस एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा। ओके, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं, देखिए दोस्तों आप ऐसे लिख लीजिए कि वन माइनस, अब देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स है। ओके दोस्तों, आप यहां से इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, वन माइनस एक्स आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एकदम नॉर्मली तरीके से आपको करना है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है वन प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात बताइए, ये भागा है तो ऊपर यानी चला जाएगा, तो आप ये वन माइनस, देखिए वन माइनस एक्स के पावर फोर है, आप इसको एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन में लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये फार्मूला होता है, आप लिख दीजिए। देखिए भागा है तो ये ऊपर चला जाएगा पोर्सन, तो एक क्वेश्चन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अपान वन प्लस एक्स ये आप लिख सकते हैं, माइनस दिया है माइनस लिखो, इसको भी उसी प्रकार से लिखिए, एक्स माइनस का होल स्क्वायर बट एक कोष्टक में एक्स प्लस टू वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात बताइए, जो कट रहा है उसको काटिए, ध्यान समझिएगा। यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, वन प्लस एक्स ये कट जाएगा, आपका बचा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे क्या कट रहा है, यहाँ पे ये दोस्तों कट जा रहा है। ओके, अब तो नहीं कट रहा है तो लिख दीजिए, एक क्वेश्चन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन वन प्लस एक्स एक बटे वन माइनस एक्स। एक बात बताइए, वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो वन माइनस वन प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स बचेगा। ओके, आप इसको फाइनली आंसर जो है हल करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक में, देखिए वन माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स बटे वन माइनस एक्स हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए वन वन कट जाएगा, यानी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा माइनस टू एक्स कोष्टक में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटे वन माइनस एक्स, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, देखिए आपका ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ नहीं करना है, वन प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर का लिखिए, ये भागा है तो आप डिवाइड कर ऊपर चला जाएगा ये, तो आप इसको लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन में वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स है, आप इसको भी लिखेंगे, इसका कट्टम पिट्टम करेंगे, देखिए दोनों में कॉमन ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको कॉमन ले लीजिए, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, क्वेश्चन अच्छा था, आप बताइएगा जरूर, पहले इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट आपको बताएंगे, ध्यान समझिएगा। इफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स बराबर अगर जीरो रहेगा, तो आप इसको जब अगर हल करेंगे तो आपको ये पढ़ाया गया था क्लास एट्थ में, सिरधराचार्य आपको फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए सिरधराचार्य होता है। आप इससे हल करेंगे तो ये जो है बहुत सारा जो है लेंदी हो जाएगा, बट ये आप ध्यान रखिएगा, आप इस तरीके से हल करिएगा, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आपका जीरो दिया रहेगा। ओके दोस्तों, आप एक बात बताइए,
ये याद रखिएगा, अगर इसको वैल्यू निकालेंगे तो बहुत लेंदी चला जाएगा। आप इसको जो है शॉर्टकट मेथड से आप हल करिए। आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। आप क्या करिए दोस्तों, दोनों पक्षों में देखिए, दोनों पक्षों में x माइनस 4 का गुणा कर दीजिए। ओके, x माइनस 4 का गुणा आप कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। और ये दोस्तों क्या बन रहा है, आपको पता होगा, ये बन रहा है x क्यूब माइनस 64। ये तो टोटल 0 हो गया, ये सारा यानी बराबर 0। आपका x क्यूब बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, x क्यूब बराबर 64 आ जाएगा। ओके, आप क्वेश्चन इस तरीके से टैकल करेंगे, आपको जो है सवाल में दिया रहेगा, आपको इसी तरीके से बनाना होगा। आपको x क्यूब बराबर मान दे दिया रहेगा, वहाँ पे आप x क्यूब का मान रखेंगे, तुरंत आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताते हैं, पहले इसको समझिए। अगर आपको ऐसा दिया रहेगा सिरधराचार्य से, जब आप हल करेंगे ना दोस्तों, बहुत सारा लेंदी चला जाएगा। बट क्या करेंगे, अगर ऐसा दिया रहेगा इस केस में, तो आप क्या करेंगे, ऐसा दिया है तो आप x माइनस 4 और x माइनस 4 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए। जब देखेंगे ये फार्मूला बन जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, आप यहाँ से x क्यूब बराबर निकालेंगे 64 निकल जाएगा। आपको इसी प्रकार से मैं सवाल जो है सॉल्व कराऊंगा, ध्यान समझिएगा। देखिए तो क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिमाग हिला देगा। आपको जो है कॉन्सेप्ट वाइज बता रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 है, देन आपको वैल्यू निकालना है x पावर 4 माइनस 2x पावर 4 प्लस 30 बराबर जो है 0 दिया। एक बात बताइए दोस्तों, आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिखिए, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 4 लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको आप एक्स क्यूब आप कामन अगर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x। ओके दोस्तों, प्लस 30 बराबर आपका 0 हो जाएगा। एक बात बताइए, आप इसका क्या करेंगे, आप अगर आपको नहीं समझ में आता है तो क्या करिए, दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए। ओके दोस्तों, जब दोनों पक्षों का आप क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाए है, देखिए ऐसे केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे तभी आएगा। देखिए जब भी ऐसा दिया है तो आप ये दिया है ना, तो आप इसको किस तरीके से, पहले आप इसको ऐसे तो लिखे हैं, अब यहाँ से आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर आपका 0 दिया है। आप यहाँ पे क्या करिए, मल्टीपल कर दीजिए, किससे दोस्तों, x प्लस 2 से, और इसमें x प्लस 2 से, तो आप यहाँ पे ऐसे मल्टीपल कर सकते हैं। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये दोस्तों फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे x क्यूब बराबर क्या लिखेंगे, x क्यूब लिखेंगे बराबर तो माइनस 8 हो जाएगा। आप यहाँ से आप जो है सॉल्व करिए, ध्यान समझिए, x क्यूब को माइनस 8 दिया है तो माइनस 8 रखिए। ओके दोस्तों, मल्टीपल देखिए, x स्क्वायर माइनस 2x का वैल्यू दिया है आपका माइनस में 4 दिया है, तो मल्टीपल माइनस में 4। अब देखिए प्लस 30 है, प्लस 30 लिख दीजिए। ओके दोस्तों, बराबर 0 है, छोड़िए, 8 चौके 32 क्या हो जाएगा, प्लस में 32 हो जाएगा। ओके, प्लस 30 दिया है, आप इसको जब जोड़ेंगे तो 62 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना दिमाग लगाया है यहाँ पे सवाल, आपको ऐसा दिया हुआ है तो आप पहले इसको जो है सॉल्व करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में x प्लस 2 का गुणा कर देते हैं। आप यहाँ पे करेंगे
तो एक्स क्यूब प्लस एट हो जाएगा बराबर, ये तो टोटल जीरो हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर निकालेंगे तो माइनस आठ निकलेगा। अब यहाँ पर एक्स क्यूब को मान रख दिए हैं माइनस आठ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं तो माइनस फोर, माइनस फोर मल्टीप्लाई प्लस थर्टी। आप इसको हल करेंगे आपको फाइनली जो है 62 आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मस्त है, ध्यान समझिएगा। अगर आप पहले इसका एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सात प्लस एक्स बटे सेवन एक्स बराबर वन बटे एक्स प्लस सेवन। अब यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, सात का मल्टीपल करिए, सात एक्स प्लस उनचास प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स, ओके बराबर सात एक्स। एक बात बताइए, सात एक्स से सात एक्स कट जाएगा, तो आप यहाँ क्या करेंगे कि सात एक्स प्लस उनचास, देखिए पहले एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर ऐसे आप सिस्टमेटिकल वे से लिखिए, एक्स स्क्वायर ओके प्लस सेवन एक्स प्लस उनचास बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, जीरो। आप यहाँ पे क्या टैकल कर सकते हैं, आप एक कोष्टक में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। आप यहाँ से एक मल्टीपल कर दीजिए, एक्स माइनस सेवन के इसमें मल्टीपल करिए और एक्स माइनस सेवन के इसमें मल्टीपल करिए, ओके दोस्तों ऐसे तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला टोटल बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस सात का क्यूब क्या होता है, 343 होता है बराबर आपका जीरो हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब का मान आपका आ गया 343। अब इसको हल करिए, एक बात बताइए दोस्तों, आपका यहाँ से एक्स क्यूब निकाल सकते हैं ना, इसको एक्स पावर 49 को क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 46। आप इसका मान दिया है 343, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना 343 एक्स पावर 46 माइनस 343 एक्स पावर 46, ये तो टोटल जीरो हो जाएगा, ओके दोस्तों। अब प्लस एक्स क्यूब का मान दिया है 343 प्लस 17, आप इसमें जोड़ दीजिए, जीरो चार एक पाँच एक छः 360, 360 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये अच्छा है, आपका ऐसा दिया रहेगा देन आपको इतना वैल्यू निकालना है, पहले इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप एक्स क्यूब बराबर 343 निकाल लेंगे, आपको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो मान टोटल जो है इसका जो है मान जीरो हो जाएगा। आप इसी को निकालना है, एक्स क्यूब का मान 343 दिया है और 17 जोड़ देना है, यानी कि 360 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलिए जो है पहले इसको नोट करिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। देखिए दोस्तों कंपोनेंडो एंड डिमेंडो रूल जो है, योगांतरानुपात और समानुपात क्या होता है आप ध्यान समझिएगा, ओके। देखिए सी एंड डी इसको बोला जाता है, सी एंड डी हिंदी में बोला जाता है योगांतरानुपात और समानुपात। ओके दोस्तों आपका ऐसे बोला जाता है, जैसे आपको दिया रहेगा ए बाई बी, आप इसको क्या करेंगे, योगांतरानुपात कहता है ए बाई बी बराबर मान लीजिए सी बाई डी दिया है, ये आपको जो है दिया रहेगा, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जो ये दोस्तों रहता है इसमें आप जोड़ेंगे पहले और इसमें घटा देंगे, ओके दोस्तों। इसी प्रकार से आप इसको जब लिखेंगे तो सी प्लस डी बटे सी माइनस डी, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ओके। आप इसको और तरीके से क्वेश्चन को जो है लिख सकते हैं, लेकिन आप इतना पहले जानिए, ऐसे आपको दिया रहेगा, जैसे आपको सवाल दे दिया रहेगा कि आपको दिया रहेगा कहेगा x प्लस वाई
यक्स प्लस वाई बटे यक्स माइनस वाई बराबर क्या रहेगा, ए बाई बी है। ओके, ए बाई बी रहेगा, आपको दिखाना है तो आपको आपको कह देगा तो आपको दिखाइए यक्स बटे वाई बराबर ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ऐसे आपको दिखाना रहेगा। ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप पहले इसी से निकालेंगे। ओके, क्या करिए, यक्स प्लस वाई करिए बटे यक्स माइनस वाई है ना, आप इसमें क्या करिए, वो जो नीचे वाला जोड़ दीजिए प्लस यक्स माइनस वाई, और इसमें घटा दीजिए माइनस यक्स प्लस वाई। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये तो रहेगा ना, सॉरी दोस्तों, अब देखिए यक्स प्लस वाई बटे वन माइनस यक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे या ए प्लस बी बटे ए में से घटा दीजिए बी को। देखिए अब यक्स एक्स टू यक्स हो जाएगा, वाई वाई टू वाई हो जाएगा बराबर ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, आप जो है टू से टू काटेंगे तो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा यक्स बटे वाई बराबर ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। यही एगो अंतरानुपात जो है, समानुपात यही कहा जाता है आपको। आपको ऐसे रहेगा तो आपको अगर कह देगा ऐसे दिया है तो आपको ऐसे दिखाना है, तो क्या करिए यक्स में पहले नीचे वाला जोड़ेंगे फिर यक्स में जो है नीचे वाला घटा देंगे, ऐसे आप इस ऐसे इसी प्रकार से ये भी ऐसे करेंगे, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन से ज़्यादा आपको समझ में आइए आएगा। चलिए क्वेश्चन पहले आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है। ओके, आप क्या करिए, पहले इसको सॉल्व करिए। आप क्या कर सकते हैं, यक्स क्यूब प्लस थ्री यक्स माइनस थ्री यक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसको आप जोड़िएगे तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, आप नीचे भी कर दीजिए, यक्स क्यूब है पहले लिखिए प्लस थ्री एक्स है, अब इसमें से घटा दीजिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर, इसमें पहले जोड़ दीजिए 234 में 109 जोड़ेंगे, फिर 234 में 109 घटा देंगे। ओके दोस्तों, अब ध्यान समझिएगा, ये किसका हो गया, ये आपको पता होगा कि यक्स प्लस वन का होल क्यूब है, ये किसका हो जाएगा, ये यक्स माइनस वन का होल क्यूब है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स प्लस वन बटे यक्स माइनस वन का होल क्यूब बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको जोड़ेंगे तो 343 हो जाएगा बटे इसको जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7/5 का होल क्यूब। ओके दोस्तों, आप यहां से यक्स प्लस वन बटे यक्स माइनस वन बराबर लिखेंगे 7/5, आप इसको सॉल्व कर दीजिए 5x+7 बराबर 7x-7। अब बताइए 7 में से 5 घटाएंगे 5x 2x हो जाएगा। ओके, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो 14, यानी यक्स का मान आपका आ जाएगा 7। ओके दोस्तों, जब यक्स का मान 7 आ जाएगा, आप यहाँ से कर सकते हैं 7^5 कर दीजिए, 7^5 आपका जो है कितना आंसर होता है, देखिए ये जो है ये आपका जो है कितना है, देखिए 7 में से 5 यानी 2x 7×7 14, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक कहीं आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, कहने का मतलब आपका जो है 5 का मल्टीपल करेंगे तो ये तो 5 होगा ना, आप एक बात बताइए, ये 5x इधर आएगा यानी कि 2x, ये इस तरह पे आएगा तो यानी कि -12। ओके, यानी यक्स बराबर आएगा -6 आपका। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सी गलती है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर दिया था आपको जो है -6 का होल स्क्वायर प्लस
फाइव छचाक 36 प्लस 5 36 में 5 जोड़ेंगे आपका 41 फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे दिया है युगांतर अनुपात और समानुपात पे आपको रिलेट करना है। इस ए है आप इसमें जोड़ दीजिए और ए है इसमें आप घटा दीजिए। इसी प्रकार से 234 में 109 जोड़ेंगे, 234 में एक घटा दे 109 घटा देंगे आप। यहाँ से x बराबर -6 आ जाएगा, x स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 5 यानी कि 41 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके देखिए अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए दोस्तों आपको ऐसा सवाल दिया रहेगा, आप एकदम नॉर्मली तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में करा है एक्स बराबर 2 प्लस 2 के पावर 2 बाई 3 प्लस 2 के पावर 1 बाई 3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, इतना आपको बताना है। तो आप यहां से दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, ध्यान समझिएगा। आप यहां से इस तरफ इसको लाइए, एक्स यानी एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान समझिएगा। आप इसको इस तरफ लेके आइए, यानी कि x माइनस 2 बराबर 2 के पावर 2 बाई 3 ओके प्लस 2 पावर 1 बाई 3 आप इसको लिख सकते हैं। क्या करिए, दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो x माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा बराबर, a क्यूब का मतलब क्या होता है 2 के पावर, ये 2 हो जाएगा बाई 3 हट जाएगा, प्लस b के क्यूब यानी कि बस ओनली 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ए का मान दिया है 2 के पावर 2 बाई 3 इंटू बी का मान 2 के पावर 1 बाई 3। कोष्टक में क्या लिखेंगे दोस्तों, ए प्लस बी यानी कि आप इसको जो है क्या लिखेंगे, ए माइनस बी यानी कि एक कोष्टक में एक्स माइनस 2 ओके, ध्यान समझिएगा। आप जब दोनों पक्षों का क्यूब किए हैं तो ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो आपको यह दिया है 2 के पावर 2 बाई 3 प्लस 2 के पावर 1 बाई 3 ओके, ये दिया है आपको कोष्टक में। आप इसको पहले खोल दीजिए, x क्यूब माइनस 8 हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 इंटू यक्स, कोष्टक में यक्स माइनस 2 हो जाएगा ओके। आप ध्यान समझिए, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 प्लस, देखिए ये क्या करेंगे पावर में जो है जुड़ जाता है, यानी कि 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 का मतलब हो जाएगा 1, यानी कि आप इसको जो है शॉर्टकट वे में आप लिख सकते हैं ये 1 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी के 6। आप इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसका वैल्यू x माइनस 2 लिख सकते हैं, यहाँ से x माइनस 2 लिख दीजिए, ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 दूनी के 6 x को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6 दूनी के 12x बराबर 4 दू 6 प्लस 6x माइनस 12 हो जाएगा ओके, 6 का गुणा करेंगे तो। अब एक बात बताइए, x क्यूब है आप यह माइनस 6x स्क्वायर है, देखिए 12x है इस तरफ आएगा तो यानी कि प्लस 6x हो जाएगा ओके, 8 जो है उस तरफ जाएगा। एक बात बताइए, 12 में 6 घटाएगा माइनस 6 है, आप 8 जो है इस तरफ आएगा प्लस 6 है यानी कि 2 आपका आ जाएगा, ध्यान समझिए। ये देखिए 12 में से 6 घटाएंगे माइनस 6 आएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस 8 में से माइनस 6 घटाएंगे इतना, आपको इसका वैल्यू दिया है एस क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 बराबर, इसका वैल्यू देखिए दोस्तों इसका वैल्यू आपका कितना आया है 2 आया है, आपका इसका वैल्यू दिया 18, आप इसको जोड़ेंगे तो 20,
आपका आंसर हो जाएगा यानी कि 20। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, बस आपको पहले सॉल्व करते जाइएगा, फिर इसके बाद देखेंगे आपका लास्ट वाला ही अपने आप बन जाएगा। आप वहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, आप निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन यही जो है समाप्त करता हूँ। दोस्तों देखिए, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।